कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से किए गए जनता कर्फ्यू की अपील को देश भर में समर्थन मिल रहा है। इसी को लेकर राजधानी जयपुर में भी जनता कर्फ्यू का असर साफ नजर आया। इस दौरान सीएम गहलोत के लॉकडाउन आदेश के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट 31 मार्च तक पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, जबकि बाजारों में भी पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। इस दौरान सिंधी कैंप बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। देश भर में जनता कर्फ्यू, केंद्र सरकार की ओर से नरेंद्र मोदी का आह्वान, तो वहीं राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब है कि प्रदेश के अंदर सभी तरह के कार्यालय बंद रहेंगे, सभी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। तो अभी हम पहुंचे हैं राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड, जहाँ पर जो है सैकड़ों बसें आती है, हजारों यात्री यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज से 31 तारीख तक यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परिवहन यहाँ पर रोडवेज की बस का नहीं होगा। रोडवेज की बसों के पहिए थम गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये नज़ारा, बसों को दिखाए मैं कहना चाहूँगा। जो डिपो की बसें हैं यहाँ पर खड़ी कर दी गई है, प्लेटफॉर्म सारे खाली पड़े हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 4 या फिर डिलक्स वाला प्लेटफॉर्म, सभी प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जो है न तो यात्री दिखाई दे रहे हैं। एक आध दिक्कत दुखे यात्री जो आए हैं, जिनके ये जानकारी नहीं हुई थी या कुछ और कहीं जगह से आए, तो यहाँ पर वो जरूर खड़े हैं, लेकिन बस यहाँ पर अब इनको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया है। यहाँ पर लोग हैं जो बिल्कुल सिंधी कैंप पूरी तरीके से एकदम सुनसान नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मेट्रो स्टेशन की बात की जाए तो सिंधी कैंप का जो ये मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं कि इसको भी शटर डाउन कर दिया गया है। मेट्रो के परिवहन भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो जनता कर्फ्यू के साथ साथ लोग लॉकडाउन जो किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि कोरोना बीमारी जो है धीरे धीरे राज्य में पैर पसार रही है। कल जो है एक साथ कोरोना के 8 मरीज जो पॉजिटिव केस सामने आए थे, इसके बाद कल शाम को मुख्यमंत्री द्वारा एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग में ये फैसला लिया जाता है कि राज्य में 31 मार्च तक जो है पूरी तरीके से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जो है लॉकडाउन कर दिया गया है। तो अब जो है रोडवेज भी बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो ऐसे में अब लोग जो है घरों में रहने की अपील की गई है, क्योंकि लोग अगर घरों में रहेंगे तो इस संक्रमण का खतरा है जो बहुत कम रहेगा। इसके कारण राज्य सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है तो पब्लिक भी उसका साथ दे रही है। पब्लिक भी अब जो है घरों की तरफ रुख कर दिया है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसके कारण कोरोना वायरस की बीमारी है उसको खत्म करने की ये लड़ाई है, जिसमें राज्य सरकार और जनता दोनों मिलकर काम कर रही है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ हनुमंत सिंह चारण, A1 TV जयपुर।